नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी। अनिरुद्ध गोयत के साथ किसान डेयरी फार्मिंग में मैं आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की विजिट हमारी विलेज कुराना, जो कि डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा में ये गांव आता है, तो इस बुल्क के बारे में हम डिटेल से बातें करें। उससे पहले मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएँ, ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो डालें आप तक ज़रूर पहुंचे। और मैं उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं। तो एक बार अपना नाम बताइए भाई साहब। मनीष के घर पे हैं हम, जो कि उम्दा नस्ल का बुल, जो प्योर मुरा का बुल भाई ने अपनी कड़ी मेहनत से तैयार किया है, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो इसकी क्या कुछ उम्र है भाई? इसकी उम्र है जी 3 साल 3 महीने। 3 साल 3 महीने। और कितने दांत है? 4 दांत है। 4 दांत है, 6 दांत का हुआ नहीं अब तक। ठीक, तो इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट है जी इसकी 5 फुट 1 इंच। 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 1 इंच हाइट है। तो 5 साल लगभग बुल ग्रोथ करता है। ठीक, तो जो इसकी माहगारी कोड था तो वो भी बताइए भाई। वो जी सेकंड पोजीशन पे जी उसका 17+ था। अच्छा, सेकंड टाइम में उसकी माँ ने 17+ दूध दिया था। ठीक, और इसका बाप? इसका बाप जी हमारे घर का। अच्छा, घर का ही है। ठीक, तो इनका ये घर का ही बुल था। तो उसकी माँ का? उसकी माँ का 21 किलो था जी। 21 किलो, तो 21 किलो उसकी माँ का, हाँ, तीसरे ब्यात में 21 किलो दूध दिया था उसकी माँ ने, यानी कि इसकी दादी ने। ठीक, तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है भाई ने हमें। तो भाई आप इस बुल को कहीं पार्टिसिपेट किए? गए हैं जी हम, एक बार शिवा खास में गए थे जी। हाँ जी, उसमें ब्यूटी में भी जी और उसमें भी जी एडल्ट। ठीक, 5वीं पोजीशन थी। अच्छा अच्छा, सिंगवा खास में कहाँ पे? पटियाला दो दांत में गा था। अच्छा, पटियाला दो दांत में गा था, तो वहाँ पे क्या कुछ पोजीशन रही? वहाँ पर इसकी चौथी पोजीशन रही थी। चौथी? हाँ जी। ठीक, 4th पोजीशन पे आया था ये जो मुरा नस्ल का, जो कटड़ा भाई के घर पे। तो हम इसको थोड़ा हा दिखाएंगे, जो मुरा की जो कैटेगरी होती है तो उसकी जो विशेषताएँ हैं। तो इसका जो थोड़ा फेस है भाई वो इधर करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक, जो यो जो इसका कलर है वो बिल्कुल प्योर ब्लैक जेड है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सीधे हैं। ठीक, किसी प्रकार का भी टेढ़ापन नहीं इसके पैरों। अच्छा ठीक ठीक, तो एक दो इसकी उबरी हुई नसें आप देख सकते हैं, ये एक मिनट। हाँ, तो ये जो साफ नजर आ रही है ये मुरा की, हाँ ये मुरा की विशेषताएं होती हैं जो कि बुल को अपने उसमें जब पार्टिसिपेट करता है तो इनके पॉइंट मिलते हैं। हाँ जी, जो ये टेस्टिकल है जिसके 50 पॉइंट होते हैं। हाँ जी हाँ जी, टेस्टिकल। ठीक ठीक, तो बाकी 10 पॉइंट की जो ये पैर और ये सीने ना। हाँ जी हाँ जी, इनके होते हैं। ठीक, तो भाई ने काफ़ी अच्छी बात बताई है जो मुरा की के बारे में। और मुरा की जो पूंछ की होती है भाई वो 5 से 6 इंच तक चल सकती है मुरा में। ठीक 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 ठीक, तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। एक बार हम आपको इसके टेस्टिकल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। करिए भाई थोड़ा। हाँ, जो ये उभरी हुई नसें हैं ये जो मिल्क लाइन की काफ़ी अच्छा बुल है। ठीक ठीक, जितनी भी हैं ठीक, जो टेस्टिकल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेस्टिकल है बुल का। थोड़ा हाँ, ये पैर ठुआइए भाई। चल चल बेटा, करिए मैडम। ठीक ठीक ठीक, जो आगे भी आप नस दे सकते हैं जिस तरीके से दी है नसें। एक मिनट होगा। हाँ, जो अगली नसें हैं जी आई आप बिल्कुल देख सकते हैं जो भरी हुई। कौन सी देंगे नसें? ठीक ठीक, जो ये दिख रही है जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल दूध लाइन की है जो एक चमड़ी है जी इसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल पतली है जी। ठीक, बिल्कुल पतली चमड़ी का है बुल। हाँ हाँ जी, तो भाई ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है जो
मुराद की चौड़ाई देख सकते हो जी आप बिल्कुल। तो इसकी जो पुट्ठे की चौड़ाई है वो भाई लगभग कितनी है? ढाई फुट है, ढाई फुट है इस बुल की पुट्ठे की चौड़ाई है। और काफ़ी बिल्कुल रिंग आकार में जो बुल के सींग हैं काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और जो ये पेट पे ये नशे देख रहे हैं बिल्कुल साफ वीडियो में साफ दिखाई दे रही हैं। जो ये इसकी मिल्क लाइन की जो ये दूध की बोलते हैं। हाँ जी ठीक ठीक बिल्कुल दूध की बिल्कुल आप फिर से कवर कर सकते हैं जी नशों को आप। हाँ जी बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक ठीक काफ़ी अच्छा बुल है। तो भाई आपने इसका सीमन अवेलेबल करवाया है या डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा? अच्छा डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाते हो। ठीक तो यदि एक और विशेषता जिस बुल में मैं सीट में तो ये लगती है ईट में नहीं है तो ठीक क्रॉस नहीं करता। ठीक ठीक और मैं फिर से सभी भाई किसान भाइयों कहना चाहता हूँ यदि किसी भी बुल का सीमन लगवा यदि बुल से डायरेक्ट क्रॉस करवाते हो तो मेन बात एक तो बुल के टेस्टिकल जरूर देख लेने। ठीक हाँ जी और टेस्टिकल के ऊपर ही निर्भर होता है बुल का। ठीक ठीक अगर उस बुल के टेस्टिकल ही अच्छे नहीं होंगे तो जो बेटे हैं यदि ऊंचे नीचे यदि एक और ध्यान से सुनना किसान भाई ये सभी जो इस बुल की ये चूती नहीं होती है। हाँ जी हाँ जी चार होनी चाहिए। ठीक ठीक जो अगले वाली तो होनी चाहिए छोटी और पीछे वाली होनी चाहिए लंबी। ठीक ठीक ये भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए किसान को जी। हम यदि हम किसी साधारण बुल का सीमन लगवाते हैं किसान अपने घर पे अपना दाना पानी तो दे सकता है। ठीक ठीक लेकिन किसान के पास अच्छी नस्ल नहीं आ पाती। ठीक ठीक अच्छी नस्ल नहीं आ पाती तो उन्हें अच्छी नस्ल को पहचानने की अक्षमता जो उनके पास काबिलियत होनी चाहिए। ठीक मेन बात तो इस जगह आप देख रहे बिल्कुल ब्लैक इनकी नसें बिल्कुल उभरी हुई है। हाँ हाँ चुड़ाई बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक और टेस्टिकल भी बहुत अच्छे इसकी। ठीक तो और कुछ है भाई साहब इसकी जो हाइट आपने कितनी बताई थी? 5 फुट 1 इंच और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी 12 फुट 3 इंच। 12 फुट 3 इंच टाइल तक यहाँ तक है बिल्कुल देखिए यहाँ तक। ठीक ठीक मैंने यहाँ तक माप कर दी। ठीक 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 तो जो इसका बाप था तो उसकी हाइट और उसकी लेंथ के बारे में हमें बताएं। उसकी लेंथ थी सर 14 फुट से ऊपर थी। ठीक ठीक 14 फुट से ऊपर थी। हाँ जी उसकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच के आसपास। ठीक 5 फुट 3 इंच इसके जो बाप थे। इसकी माँ की भी हाइट 5+ में ही थी। ठीक ठीक इसकी माँ की हाइट 5+ में थी। ठीक तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बिल्कुल प्योर मुर्रा में आ रहे हैं जो इसके बुल हैं जो काफ हैं। हाँ जी प्योर मुर्रा में आ रहे हैं। ठीक प्योर मुर्रा में हैं। हम पूरे दाव के साथ कह सकते हैं जी यदि कोई भाई हमारे बुल द्वारा क्रॉसिंग करवाता है। हाँ 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 यदि वे 21-22 किलो+ की दूध हम परी तो क्रॉसिंग करवाएंगे। हाँ जी लेकिन उसका रिकॉर्ड देखेंगे। ठीक ठीक उसका रिकॉर्ड देखेंगे। हाँ जी यदि जो इसके आगे रमेल काप आती है यदि कटड़ी आती है तो वह 14+15+ दूध दे देगी। ठीक ठीक फर्स्ट ब्यांत में। ठीक ठीक तो अच्छी मिल्क लाइन का जो बुल है भाई के पास है। तो अगर कोई भाई से डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाना चाहता है तो इसकी क्या कुछ फीस लेते हो भाई साहब? 500 रुपये। 500 रुपये ठीक ठीक डायरेक्ट क्रॉसिंग के भाई सिर्फ 500 रुपये लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि गरीब किसान भी इसके साथ क्रॉस करवा सके। हाँ हाँ पैसा कमाने की तमन्ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ठीक आप अपने शौक के लिए ये काम कर रहे हो। अपने शौक के लिए और अपने किसान भाइयों को हाँ उनके घर पर अच्छी नस्ल आए। ठीक ठीक तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है हमें। तो अगर भाई कोई भाई साहब आपके एरिए से दूर है और वो आपको मतलब कि इस बुल से क्रॉसिंग करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ आपने सुविधा की है? यदि वहाँ पर ले जाएगा तो किराया भी कम लेगा वो। ठीक ठीक जो हमको बुलाएगा तो अगर आप इसको वहाँ पे भी ले जा सकते हो। वहाँ भी ले जा सकते हैं। ठीक ठीक तो भाई ने 500 रुपये ही लेंगे। ठीक यदि वे दोबारा हिट में आती है। हाँ हाँ महीने भी छुट्टी देंगे यानी महीने तक हम दोबारा फ्री क्रॉसिंग। अच्छा फ्री क्रॉसिंग करवाएंगे। अगर अगर वो एक बार आप के बुल से क्रॉस हो जाती है और उसके बाद फिर हिट में आती है तो फ्री क्रॉसिंग करवाएंगे। यदि एक महीने के भीतर आती है। ठीक 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 काफ़ी अच्छी। जो इसके ऊपर ये पीले रंग का रिबन आप दे सकते हैं। हाँ हाँ ये बिल्कुल इसके मुर्रा का ही है। ठीक जो पांचवी पोजीशन आई थी तो उसका उसकी उसमें जो ये शान है जो जो इस रिबन ने इसकी जो शान बढ़ाई है तो ये पांचवी पोजीशन की है। ब्यूटी में भी और मुर्रा में। ठीक ठीक पटियाला मेरा आता है ये छोटी। ठीक ठीक पटियाला में 4th पोजीशन थी इसकी। ठीक तो इसको क्या कुछ डाइट देते हो भाई? डाइट को इसको जी अब
हम इसको एक डेढ़ किलो तो आध किलो लस्सी देते हैं जी, हाँ हाँ, 5 किलो जी चना, 5 किलो खांडा और 5 किलो दलिया, 2-2.5 किलो बिनौला देते हैं। ठीक ठीक, तो दूध दाद दूध ज्यादा नहीं देते। ठीक ठीक, भाई ने बिल्कुल सच्चाई की बात बोली है अपनी जो वीडियो में। तो कुछ कुछ भाई ऐसे होते हैं कि भाई हम अपने बुल को इतना दूध पिलाते हैं उसके बाद भी फिर बुल का अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हाँ, 100-150 ग्राम इसको डेली मिनरल मिक्सर दे जाता। ठीक ठीक, अच्छा मिनरल मिक्सर देते हो। हाँ। ठीक ठीक, तो इसको भाई थोड़ा खोल के दिखाइयो, तो हम आपको ये बुल दिखा रहे हैं जो कि इसके सिर पे जो ये रिबन बंधा हुआ है ये 5वीं पोजीशन आई थी और इसके जो ये शोभा को बढ़ा रहा है बुल की, तो बिल्कुल ब्लैक जेड बुल है। और जो टेस्टिकल हैं, टेस्टिकल के गांव सिंगवा खास 50 पॉइंट होते हैं और 50 के 50 पॉइंट इसने सिंगवा खास में लिए थे। ठीक, थोड़ा काट ले एक बार। काफ़ी अच्छा बुल है, बिल्कुल यंग उम्र का डाट ले लिया लिया। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो हमने ये बुल दिखाया है भाई का, तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।